नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको हर्निया और उसमें यूज होने वाले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हर्निया। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हर्निया का मतलब क्या होता है? हर्निया का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपका इंटरनल ऑर्गन जो है सो आपके इंटरनल वाल को बल्ज करने लगे, बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, तो ये कंडीशन हर्निया कहलाती है। चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में क्यों न हो। ये अगर आसानी से समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। तो जब कभी भी आप बैलून को फुलाते हैं तो बैलून के फुलाने के क्रम में साइड से एक गोला निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, वो ही हर्निया के जैसे होता है। ये ज़्यादातर एब्डोमन में होता है और लोअर एब्डोमन में ही देखने को मिलता है। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है और क्या क्या कारण है? दोस्तों, इसके कारण है, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। ड्रिंकिंग करना एक कारण होता है, उसके साथ साथ क्रोनिक कंस्टिपेशन है, पुरानी कब्जियत के शिकार है, इंडाइजेशन के शिकार है, तो भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको क्रोनिक दमा की कंडीशन है, क्रोनिक खांसी है, तो भी ये प्रॉब्लम करती है। अगर आपको कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, उससे भी हर्निया होता है। अगर आपको ओबेसिटी हो रही है, आपका फैट बढ़ रहा है, फैट डिपोजिशन हो रहा है, उससे भी हर्निया की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर। दोस्तों, अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हर्निया कितने टाइप्स के होते हैं? अम्बलाइकल हर्निया होती है। ये अम्बलाइकल हर्निया बच्चों में खास करके देखा जाता है, यानी कि जो इन्फेंट होते हैं, जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चों में अम्बलाइकल रीजन, यानी कि बच्चों के नाभि जो होती है, नाभि नेवल के ऊपर फूल जाता है, और उसको जब नाभि को दबाइएगा तो अंदर चला जाएगा, फिर ऊपर फूल जाता है, इसे ही अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं, या इसे बेली बटन हर्निया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ये होता है अपर एब्डोमेन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ये जब बल्ज करने लगे, बाहर की तरह निकलने लगे, तो ये होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। उसके बाद होता है इंग्यूनल हर्निया, इंग्यूनल कैनाल, यानी कि आपके जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन है, जो थाई का जो रीजन होता है, जो जांघों की जगह होते हैं, वहाँ पे जांघों के बीच दोनों साइड में बबल के नीचे इंग्यूनल रीजन होता है। उस इंग्यूनल रीजन में जब कभी भी जो इंटेस्टाइन होती है वो बाहर आने लगती है, इंग्यूनल कैनाल में जो इंटेस्टाइन होती है वो बाहर के कैनाल में निकल जाती है, उसे इंग्यूनल हर्निया कहते हैं। ये दोनों तरफ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फीमोरल हर्निया की। फीमोरल रीजन में अगर इंटेस्टाइन या कुछ ऑर्गन बल्ज करने लगे, बाहर की तरफ आने लगे, तो वो फीमोरल हर्निया होता है। उसके बाद अगर हाइटस हर्निया की बात करें तो ओसिफेगस में आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, गले में बर्निंग सेंसेशन होगा, लगेगा कि जैसे कुछ उसमें फंस गया है, टिंगलिंग की सेंसेशन होगी, तो वो हाइटल हर्निया या हाइटस हर्निया के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई आपको पुरानी सर्जरी हुई है, पिछले सर्जरी हुई है, और सर्जरी के कारण ऑर्गन बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो उसे इंसीजनल हर्निया कहते हैं। दोस्तों, ये थे टाइप्स ऑफ हर्निया। अगर आपको हर्निया हो गई है तो आप कैसे इसको ठीक करेंगे? कभी भी आप मेरे पास आते हैं हर्निया के सिम्टम्स लेके, तो डॉक्टर्स आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, जहाँ पे ऑर्गन बाहर आ रही है तो उसे पुश करके देखते हैं, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, आपको खांसी करने के लिए कहा जाता है, उसके कारण आपको दर्द का अनुभव होता है। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जैसे कि बैरियम मील एक्सरे किए जाते हैं,
अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है, इंडोस्कोपी कराई जाती है, तो ये सब से एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है कि कहाँ पे हर्निया है। अब मैं आपको हर्निया के लक्षण बता देता हूँ। दोस्तों हर्निया के लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जहाँ कहीं भी ऑर्गन बाहर बल्ज करने लगती है तो वहाँ पे एक उभार आ जाता है, एक उभार निकल जाता है, उसको अगर आप पुश करेंगे तो अंदर चला जाएगा फिर बाहर चला आता है। उसके बाद उसमें दर्द की जैसा बना रहता है हर समय। अगर आप कोई वर्क करते हैं या बाइकिंग करते हैं या राइडिंग करते हैं तो उस पर भी आपको पेन होने लगेगा, जलन होने लगेगी, मिचली होगी, वोमिटिंग होने लगेगी, डायरिया होने लगेगा, आपको पेशाब करने में परेशानी होगी, हर वक्त दर्द बना रहेगा। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको हर्निया हो गई है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी वर्क करती है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करें, सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स भूमिका। दोस्तों नक्स भूमिका ऑल टाइप्स ऑफ हर्निया के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। किसी भी प्रकार की हर्निया है तो उसमें आप नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 4 बार लें, ये आपको 15 दिनों में रिकवर कर देगी। अगर आपको राइट साइडेड हर्निया है, उसके साथ साथ अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है, डायरिया की शिकायत है, तो उसमें आप लाइकोपोडियम 30 यूज करें। लाइकोपोडियम 30 को भी 4 गोली दिन में 4 बार ले, ये भी बहुत जल्दी रिकवर कर देगी। अगर आपको हर्निया के दर्द से परेशान हो गए हो, आप को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उठने में प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक कम्बिनेशन में बता देता हूँ, वो आप यूज करें। मैगफॉस, ओपियम और कोलोसिंथ, ये तीनों को इक्वल ड्रॉप में आप डिस्टिल वाटर में मिला लें, यानी कि 10-10 बूंद तीनों को डिस्टिल वाटर में मिक्स करके, 5 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करके 5 बूंद 2-2 घंटे पर ले, आपको ये दर्द से निजात दे देगी और आपका हर्निया भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, ओबेसिटी के शिकार है, आप मोटे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप कैल्केरिया कार्ब यूज करें। कैल्केरिया कार्ब 30 4 गोली दिन में 4 बार यूज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उसके कारण अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो रस्टक्स आपको मदद करेगी। रस्टक्स 30 4 गोली 4 बार ले, ये बिल्कुल ही बिल्कुल रिकवर कर देगी। तो दोस्तों ये थे होम्योपैथिक मेडिसिन जो हर्निया में यूज होते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैं एक सलाह आपको दूंगा कि जब कभी भी आपको ये सिम्टम्स अपीयर हो तो सेल्फ मेडिकेशन न करें, किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही ये दवा लें। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल्स लिख के भेज दे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बता दूंगा जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगी, आप उससे ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।